माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे ऑल्ट टैग के बारे में। ऑल्ट टैग क्या बेसिकली एक अल्टरनेटिव टैक्स है। अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अब हम आगे बात करते हैं ऑल्ट टैग्स के बारे में। ऑल्ट टैग्स एक अल्टरनेटिव टैक्स है जो हम इमेज में मेंशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो वो ऑल्ट टैग्स उसका नाम रिप्रेजेंट कर दे वहाँ पे, ठीक है, जिससे कि उसको पता चले कि क्या इमेज है किस बारे में, ठीक है। चाहे वो लोड होने में टाइम ले रही है या कभी डिस्प्ले नहीं हो रही है, कभी कोई एरर आ रहा है, तो वो इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट से पता चल जाता है। और ये सबसे बड़ा एक रैंकिंग फैक्टर भी है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ऑल्ट टेक्स्ट उसमें मेंशन होगा तो गूगल उस फोटो को पिक करता है एंड गूगल पे पब्लिश करता है। इमेजेस में आपको फोटोज मिल जाएगी गूगल में, ठीक है, अगर आपने ऑल्ट टेक्स्ट दिया। और रैंकिंग के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी रैंक पे भी इंक्रीज करता है अगर आपने ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ किया। ऑल्ट टेक्स्ट में आप बेसिकली अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी साइट में मतलब कीवर्ड्स उसमें भी डाल सकते हैं। आप जैसे आपने टेक्स्ट में डाला, आपने कंटेंट में डाला अपनी, उसके बाद आप इमेज में भी डाल रहे हो, तो क्या होगा, आपको रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑल्ट टेक्स्ट को कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। अपना डैशबोर्ड खोल लें। डैशबोर्ड खोलने के बाद आपको सिंपली मीडिया में जाना है, क्योंकि हमारी फ़ोटोज सब कुछ गैलरी उसी में रहती है वर्डप्रेस में। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप IMG लिखा, आपने IMG इमेज टैग इमेज के अंदर आपने ऑल टैग यूज़ कर दिया, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ भी यूज़ हो सकता है, ये कोडिंग में यूज़ होता है। इसमें हम बात कर लेते हैं मीडिया में जाकर। अब यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ अपने मीडियाज में, ये मेरा पोस्ट खुल गई है सारी, ठीक है। अब ये सारी पोस्ट हमारे पेजेस की हैं, हर एक अलग अलग पेज की, अलग अलग पोस्ट की, ठीक है। तो मैं कोई भी एक इमेज खोल लेता हूँ, जिससे क्या होगा आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कौन सी इमेज। मैं ये वाली इमेज खोल लेता हूँ फर्स्ट वन, जिसमें आपको दिखा दूँ कि कैसे आपको अपना वो करना है, ऑल्ट टैग यूज़ करना है। तो मैंने ये इमेज, ये अपनी एक फर्स्ट इमेज खोल दी है, ठीक है, ये मेरी इमेज है। और मैंने यहाँ पर राइट में आप देखेंगे तो मैंने ऑल्ट टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन देहरादून, यही हमारा कीवर्ड है मेरा, और यही मेरा अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। यही हमारी हेल्प करता है SEO में रैंक होने में, क्योंकि ये कीवर्ड्स को पिक करता है गूगल कि ये ऑल्ट टेक्स्ट को, और इसी को ही हमारी रैंक करने में हेल्प करता है, और गूगल पर डिस्प्ले करने में भी हमारी हेल्प करता है, जिसे हमें अच्छा खासा ट्रैफिक बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मेरी दूसरी इमेज पे भी देख सकते हैं, मैं आपको दूसरी इमेज भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी सेकंड इमेज ओपन कर ली है, तो अब मैं इसमें भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी देहरादून यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये मेरा एक ऑल टेक्स्ट है। तो ऐसे ही मैंने हर जगह पे अलग अलग टेक्स्ट यूज़ किए होंगे, जिससे कि मेरी साइट ग्रो हो सके। ऐसे ही आप अपनी हर एक इमेज के अंदर एक ऑल टैग यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको हेल्प मिलेगी। आपने कोई भी एक पोस्ट बनाया, उस पोस्ट में जो इमेजेस है वही वहाँ पे भी आप अपना कीवर्ड दे सकते हैं, और अपने ही ब्लॉग के अंदर भी आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक पोस्ट जो आप फोटो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने ब्लॉग में, आप उसमें भी अपना कीवर्ड डालें, हर ब्लॉग के हिसाब से अपना अपना कीवर्ड चेंजेस करके डालते रहें, जिससे आपका ब्लॉग जल्दी ही ग्रो होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वायरी है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।